Hello students, in last lecture we have discussed about consequences of deforestation. Today we are going to discuss forest conservation and management. So what is the meaning of forest conservation? Use of forest and forest products without harming the forest means we can use the forest and forest product without harming the forest, and it is known as forest conservation. And how can we conserve the forest, or you can say the ways to conserve the forest? First of all students, use of forest rationally and economically. So what is the meaning of rational mean? Rational means you can use in the forest in a limited amount. Means jaise doctor aapko jo dawai deta hai, medicine deta hai prescribe karke, वो एक लिमिटेड डोज होती है. अगर आप उसका ओवरडोज लेते दैट इट कैन हार्म यू. सो ऐसे ही अगर हम फॉरेस्ट को ओवर यूज़ करते हैं तो वो फॉरेस्ट को और हमें भी आगे इन फ्यूचर वो हार्म करेगा, हमारी लाइफ को भी. ऐसे इकोनॉमिक वी इकोनॉमिक पर्पस फॉर मींस इट मींस दैट वी कैन यूज़ इट इन अ गुड वे विदाउट हार्मिंग मच ऑफ द फॉरेस्ट. We can use it only for use purpose, means for fulfill our requirement, not for getting money or earning money. Second one is avoid wood for fuel, means we should use alternative sources of fuel as compared to wood. Means we can use biogas as a fuel without using wood, because if we use wood as a fuel it can harm more and more our forest. Clear? Third one is preventing overgrazing, means we should prevent overgrazing of grassland and our forest from cattle. And fourth one is protection from fire, pest and disease. We should protect our forest from forest fire, pest and disease. We should check time to time pest infection, or you can say that attack and disease. We should spray insecticide or pesticide time to time to check the growth of pest and disease causing microorganism. And fifth one is restriction on cutting trees. Government and local people should avoid the cutting trees, because forests are our natural treasures, and government banned the cutting of trees already, but सम पीपल यू नो कि वो चोरी छुपे कैसे भी करके कटिंग करते हैं ट्रीज़ की रात को, तो उसके लिए हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी लगाए हुए हैं टू रेस्ट्रिक्ट द कटिंग ऑफ ट्रीज. एंड सिक्स्थ वन इज़ एफॉरेस्टेशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एफॉरेस्टेशन? एफॉरेस्टेशन मीन्स यू कैन से दैट ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज, और प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज इंस्टेड ऑफ कटिंग trees. Seventh one is general awareness. We should aware the people about the importance of forest, and you can say that motivate them to plant more and more trees. Clear? आपको पता भी होगा बेटा, जैसे चिपको मूवमेंट चलाया था उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा ने टू सेव द ट्रीज, एंड द दिस इज about the saving trees. And उसके बाद एक जो है सेव साइलेंट वैली सोसाइटी थी केरला में, दैट ऑल्सो सेव द रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल. जो साइलेंट वैली थी वहाँ पर पाए जाने वाले जो प्लांट एंड एनिमल थी उनको बचाने के लिए चलाया गया था. एंड वी जनरली मेक और यू कैन से सेलिब्रेट द वन महोत्सव प्रोग्राम, एंड इन दिस वी प्लांट सैपलिंग ऑफ ट्रीज. मीन्स यू कैन से दैट न्यू प्लांट्स को हम प्लांटिंग करते हैं, एंड
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जो काफ़ी एनजीओज हैं हमारे इंडिया में, वो क्या करते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जो है, अब जो जैसे हमारा आएगा जुलाई का फर्स्ट वीक, उसमें जो है वन महोत्सव हम पूरा जो वीक है वो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि हाउ कैन वी कंजर्व वाइल्ड लाइफ। सो बेटा, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ वाइल्ड लाइफ, अगर हम इन कॉजेज को ख़त्म कर देंगे तो हमारी वाइल्ड लाइफ भी कंजर्व हो जाएगी। सब फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस ऑफ हैबिटेट। देखो, हैबिटेट का लॉस किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज, ड्यू टू डीफॉरेस्टेशन। सो अगर हम उस पर कंट्रोल करेंगे तो हमारे जो वाइल्ड लाइफ है उसको जो है उसका हैबिटेट लॉस नहीं होगा और वो भी सेव हो जाएंगी। उसके बाद हंटिंग, हंटिंग शुड बी बैंड, और जो हंटिंग करते हैं उनको गवर्नमेंट को जो है सख्त से सख्त सज़ा का जो है वो कानून बनाना चाहिए। और शायद मिलता भी है, जैसे आपने सुना होगा कि सलमान खान ने लाइक एक डियर को जो है वो हंट किया था, बाय मिस्टेक किया था, उसके बाद भी उनको जो है सज़ा मिली थी। पोल्यूशन, वी शुड चेक पोल्यूशन, और यू कैन से दैट अवॉइड और कंट्रोल द पोल्यूशन दैट कैन ऑल्सो हार्म अवर प्लांट एज वेल एज अवर वाइल्ड एनिमल ऑल्सो। सो वी शुड कंट्रोल द पोल्यूशन लेवल सो दैट वी कैन सेव अवर वाइल्ड लाइफ ऑल्सो। देखिए, जैसे हमारी लाइफ को पोल्यूशन इम्पैक्ट करता है, हमारे जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हम अनहेल्दी हो जाते हैं ड्यू टू पोल्यूशन, ऐसे ही पोल्यूशन वाइल्ड एनिमल को भी इफ़ेक्ट करता है, उन पर भी इम्पैक्ट डालता है, नेगेटिव यू कैन से एडवर्स इफ़ेक्ट, जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है और दे कैन ऑल्सो डाई। सो वी हैव टू कंट्रोल द पोल्यूशन ऑल्सो, क्लियर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टूडे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एक्सटिंक्ट एंड थ्रेटन्ड स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज एट्सेट्रा।